विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। करीमनगर के 24th डिवीजन बूथ नंबर 261 के इंचार्ज नईमुद्दीन BRS पार्टी के सीनियर लीडर ने अपने वार्ड में रोजाना की बुनियाद पर BRS पार्टी के कारकुनान के साथ मिलकर घर घर पहुंचकर पार्टी के स्कीमात के बारे में और पार्टी की जानिब से दिए जाने वाले मैनिफेस्टो के बारे में अवाम में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। अवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि कार के निशान को वोट डालकर फिर एक मरतबा KCR को ही CM का इख्तदार सौंपे और इल्तजा की कि मुकामी MLA उम्मीदवार गांगुला कमलाकर को ही चौथी मरतबा भारी अक्सरियत से जीत दिलाकर इनकी कामयाबी को यकीनी बनाए और करीमनगर के तरक्याती कामों को मुकम्मल करने और अमन व शांति गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल को कायम रखने के लिए फिर एक मरतबा BRS की जीत को यकीनी बनाने की गुजारिश की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी वार्ड के तमाम कारकुनान मौजूद थे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेशे करीमनगर से नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शफीक अहमद की अफरोज खान के साथ एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। बरकातहु, मैं सैयद नईम हूँ और BRS पार्टी का एक पुराना कायद हूँ और मेरे साथ मुबीन हमारे यूथ प्रेजिडेंट है वार्ड के और जो है सो हमारे इमाम भाई, तलवीर भाई, सईद भाई और हम लोग सब जो है सो करीमनगर के 24 डिवीज़न में शिवाई नगर में 261 बूथ में कुछ दिन से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, अच्छा रिस्पांस आ रहा है। हम भारी मेजॉरिटी से साथ जीत रहे हैं क्योंकि KCR साहब जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स निकाले पूरे दुनिया हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है ऐसे स्कीम्स निकाले और जीतने के बाद भी जो है सो वादा करे कि अच्छे अच्छे स्कीम्स को और फॉलो करने के वास्ते और इम्प्लीमेंट करने के वास्ते, जैसे जो इसको राशन कार्ड रहता वो घर को जो है सो महाना जो सिलेंडर देते, अब 1100-1200 का सिलेंडर है वो सिर्फ 400 रुपये में मिलेगा इंशाल्लाह। वो बहुत बड़ा कदम उठाए KCR साहब और उसके साथ जो राशन कार्ड को मोटे चावल देते थे लोग क्या करते थे बाहर जाके बेच देते थे, वो मोटे चावल नहीं खाते थे, लिहाजा अब बारीक चावल मिलेंगे इंशाल्लाह। वो भी एक बहुत बेहतरीन स्कीम है KCR साहब की और एक वैसी और जो खावतीन है घर की राशन कार्ड होल्डर उनको माहाना 3,000 रुपये हदिया दिया जाएगा उनके पर्सनल खर्चों के वास्ते। ये भी बहुत बड़ा खवातीन के लिए बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया KCR साहब, उनको दुआ लगेंगी। और बुज़ुर्गों को जो पेंशन आ रहा माहाना 2,000 उसको बढ़ाते हुए 5,000 तक कर दिए और हैंडीकैप जो भाई है वो लोग को जो 4,000 आ रहा था वो 6,000 करने वाले हैं। ऐसे अच्छे अच्छे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करने वाले हैं KCR साहब। जैसा रैतु बंधु जो किसान भाइयों के लिए 10,000 आने थे 16,000 आएंगे इंशाल्लाह। और अब मेन बात क्या है आप लोग सोचिए, इस कांग्रेस की हुकूमत में हो या BJP की, TDP हमेशा गड़बड़ा कर्फियाँ ऐसे हालत रहते थे, एक डराने माहौल रहता था। आज सुकून है, लाइन अंडर कंट्रोल में है, हर मज़हब का इंसान के चेहरे पे खुशी है, आज कोई गड़बड़ नहीं है, कोई किस्म करंट की तकलीफ़ थी, पानी की तकलीफ थी सब दूर कर दिए और जो है सो आज हिंदुस्तान में कोई सी रियासत नहीं है जो डेवलपमेंट हुई इतनी फास्ट 9 साल में, एक तेलंगाना है और भी डेवलप करते KCR साहब क्योंकि एक दानिश्वर है, एक डायनेमिक लीडर है और जो है सो एक मसीहा है तेलंगाना के। इसलिए हम फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कार के निशान को उड़ दो। जय तेलंगाना।